बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, अभी आपको हमने दिखाया कि झंडा तोलन अभी पशुपालन पदाधिकारी और गव्य विकास पदाधिकारी की ओर से झंडा तोलन किया गया। तो यहाँ पे जो पदाधिकारी है, देखिए झंडा तोलन करने के बाद पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पौधा भी लगा रहे हैं, जो ये पौधा और पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे। देखिए पदाधिकारी खुद अपने हाथों से कुदाल उठाए हुए हैं और पौधारोपण कर रहे हैं। देखिए जी, यहाँ भी जो पदाधिकारी वो भी सब उपस्थित हैं और बढ़ चढ़ के ये पर्यावरण में हर जितने भी समाज के लोग हैं, पर्यावरण अगर है तो हम लोग समाज है, और पर्यावरण नहीं है तो फिर समाज भी नहीं। इसलिए जितने भी साथी है इस अमृत महोत्सव 15 अगस्त को जो हमारे देश आज़ाद हुआ था उसमें से ही अगर हर व्यक्ति झंडा तोलन करने के बाद अगर एक एक करके पेड़ पौधा अगर लगाता तो आज जंगल में कुछ यह दिक्कत आज पर्यावरण जो समस्या जो उत्पन्न होता है, और पर्यावरण अगर शुद्ध अगर रहेगा हरा भरा तो समाज भी हरा भरा रहेगा, और जितने भी हरी बीमारी से सभी से वो दूर होते रहेगा। और देखिए यहाँ पे जो गव है, गव विभाग के चारों तरफ बॉर्डर लगा हुआ है, तो वहीं उसी प्रांगण में भी पेड़ पौधा का भी पौधारोपण किया जा रहा है। देखिए खुद अपने हाथों से बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, और मुझे करने के बाद जाके ऐसे ऐसे कार्य करना चाहिए था, लेकिन अब अगर अभी तक शुरुआत नहीं हुआ तो एक यहाँ से आपको एक मैसेज मिलने का मौका मिल रहा है, और यहाँ से कुछ देखकर सीखे और अपने अपने घर में जाके जहाँ भी अगर जंगल आपका कुछ भी है, आपका जगह है, वहाँ पे एक एक पौधा लगाने का काम करें, जो बढ़ चढ़ कर समाज में बहुत तरह से हर तरह का पौधा लगाया जा रहा है। देखिए आपको हम खुद हम दिखा रहे हैं, गव्य विभाग की ओर से एक नई पहल किया गया है जो पशुपालक के लिए जितने भी एक मैसेज है। देखिए आपका हर तरह का, देखिए आपका आम का पेड़ भी लगाया गया, और अथी में देखिए बाहर गए थे, थोड़ा वो बता दीजिए तो पेड़ पौधा का ये नया पहल जो शुरुआत की है, इसमें क्या कहना बताएंगे, इसलिए इनको ज़्यादा जानकारी है। पेड़ है तो जीवन, पेड़ नहीं तो जीवन नहीं, तो इससे बढ़ के और क्या कर सकते हैं। पेड़ एक ऐसा ही चीज़ है, जिस तरह आदमी कोई फैक्ट्री लगाता है ना तो उसे आमदनी प्राप्त करता है, अभी फलदार वृक्ष लगाया तो उससे उनको आमदनी हो रहा है, उसका पीढ़ी दर पीढ़ी उससे फल ले रहा है, लकड़ी भी तैयार हो रहा है, और उसका शरीर का सेहत भी, तो ऑक्सीजन बड़े सुंदर मिल रहा है, साफ ऑक्सीजन मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा सुंदर क्या है। मनुष्य का जीवन ही पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे के आधारित उसका जीवन जी। तो हर एक मनुष्य को कम से कम जीवन में 10 पेड़ पौधा जरूर लगाना चाहिए। अगर जीवन है, पेड़ है तो जीवन है। देखिए आपको यहाँ पे आपको हरियाली भी दिखा रहे हैं, देखिए चारों तरफ हमारे कैमरामैन दिखाएंगे किस तरह हरियाली छाया हुआ है, और इस गव्य विभाग के प्रांगण में देखिए कितने अच्छा से सजाया गया। देखिए आपको चल के हम दिखा रहे हैं, और आप बने रहिए, वीडियो लंबा तो जरूर होगा लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मौका जरूर मिलेगा। और अगर अभी तक आपने अगर शुरुआत नहीं किए पेड़ पौधा लगाने के, तो आप यहाँ से देख के मैसेज आपको जीवन में उतारना चाहिए, और बच्चों को भी बताना चाहिए ताकि जीवन में कम से कम 10 पेड़ पौधा वो अवश्य लगाए। हर तरह का पेड़ पौधा केवल ऑक्सीजन ही नहीं, भले ऑक्सीजन ही नहीं, केवल आपको ये ऑक्सीजन तो अमृत होगा थी वाला साथ साथ आपको यहाँ अमृत कहाँ कि पेड़ पौधा से फल और लकड़ी ये सब सारा चीज मिलता है। तो पेड़ पौधा के आप एक मैसेज एक अमृत एक जामुन देखिए यहाँ पे जो अमृत का पेड़ लगा रहा, देखिये पौधा में भी अभी से ही छोटा सा पौधा है, देखिए आपने भी नहीं देखे होंगे, एक अमरुद भी अभी फर चुका है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा मैसेज है, और जितने भी पशुपालक है वो जीवन में उतार किसान के किसान जो अपने बढ़ चढ़ के योगदान दे रहा है, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का काम किया जा रहा है, ना कि केवल पशुपालन बनना पशुपालक, लेकिन इन्होंने आप तो सब तो कुछ बोलिए तो हेलो बताइए तो हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये चलाया गया है, इसमें हम लोग गौ पालक हैं, और आप लगाए
गौपालक हैं और हमको विभाग के द्वारा गाय प्रदान किया गया है और हम लोग यहाँ बहुत बढ़िया तरह से गौपालन कर रहे हैं और प्रथम स्थान प्राप्त किया और अभी ये पौधे लगा ये पालक ये जिला में प्रथम स्थान मतलब पाया हुआ है कहने का मतलब पशुपालक जो है सो ये जिला गिरिडीह जिला है। गिरिडीह जिला में कई ऐसे पशुपालक लेकिन एक ऐसे पशुपालक है जो पहला स्थान वो हासिल किए हैं। पशुपालन कैसे करना चाहिए देखिए यहाँ पे पशुपालक जो पशु पालने के साथ साथ पर्यावरण को भी शुद्ध रखने के लिए और देखिए आप पशुपालक भी एक एक पौधा लगा रहे हैं और यहाँ पे आके झंडारोहण करने के बाद एक नई पहल शुरुआत किया गया है। ये काफ़ी सराहनीय काम है। जितना भी समाज बढ़ सके इस पर्यावरण में भाग लेना चाहिए और पर्यावरण हाँ आप केवल पर्यावरण में केवल एक पौधा नहीं कई तरह का पौधा लगा कर आप फल फ्रूट ये सब सारा चीज़ भी प्राप्त कर सकते हैं, लकड़ियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ऐसे कार्य करना चाहिए और अपने आने वाले पीढ़ी को एक मैसेज देने का काम होना चाहिए। और जितने भी अभी भाई बंधु है अगर ऐसे ऐसे कार्य अगर अभी तक नहीं किए हुए तो जीवन में कुछ ना कुछ जरूर कीजिए ताकि आने वाली पीढ़ी आपको याद रखेगा और आपको याद। चलिए देखिए और किसान जो पशुपालन करने के साथ साथ देखिए पेड़ पौधा भी लगा रहा था। हम किसान से भी दो शब्द आपको परिचय कराएंगे। हेलो सर आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम लीलू महतो हुआ, हम पीरटाड़ प्रखंड से आए हुए हैं जो पूरे ज़िले में हमको सेकंड प्राइज से सम्मानित किया गया है और स्वतंत्रता दिवस पर हम यही बोलना चाहते हैं सभी सभी देशवासियों को कि अपने घर में जहाँ भी जगह मिले एक पेड़ दो पेड़ जैसा जगह है जिसका वो जरूर जी जी। किसान भी उपस्थित है और किसान जो एक बहुत अच्छा पहल किए हुए हैं और देखिए कौन सा हम आपको किसान से परिचय कराएंगे। हेलो सर हेलो अपना नाम बताइए। मदन राउत। और कहाँ से आप? जगनोडी। और आप इसमें कुछ प्राप्त किए हैं? हाँ किसान है, हम डेयरी का काम किए करते हैं। डेयरी फार्म का एक किसान है और आप एक नजर खेती भी करते हैं। कौन सा पौधा लगा रहे? अमरूद का पौधा। आपको अभी तक नहीं जाने तो देखिए जान लीजिए चैनल के माध्यम से आपको हम जानकारी देते हैं कि यदि आप प्रत्येक दिन अगर ये अमरूद खाते हैं तो आपको हरी बीमारी सारा हरी बीमारी से दूर रहेंगे, पूरा बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। बोलिए बोलिए सर आप समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं? जिंदगी जीने का मूल आधार है खेती, चाहे वो किसी प्रकार का भी खेती हो, चाहे पेड़ पौधा का हो या धान का हो या गेहूं का हो, किसी प्रकार का भी खेती हो, जिंदगी जीने का मूल आधार है खेती। जीवन में खेती का बहुत ही महत्व है, सबसे पहला महत्व है खेती का। जी जी जैसे आपने अगर क्लास में जो पढ़े हुए होंगे तो हमारे जो भारत देश है कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे एक और यहाँ मेंबर है इनसे भी दो सब जाने। हेलो अभी थोड़ा कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पे आप जो पेड़ पौधा के कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो इसके विषय में आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अपना परिचय और कहाँ से? मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं यही जिला का विकास कार्यालय का मैं कर्मचारी हूँ। पहले मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे दो शब्द कहने का मौका मिला है। इस बार आप लोगों को पता ही होगा कि 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा एक अभियान चलाया गया हर घर तिरंगा। मेरा मानना है कि सिर्फ अमृत महोत्सव दो दिन नहीं हर एक दिन अपने घर के ऊपर एक तिरंगा लगाना चाहिए और इसी अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमारे कार्यालय जिला का विकास कार्यालय गिरिडीह के द्वारा पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। और मैं कहता हूँ कि आपके लाइफ में जब भी कोई स्पेशल दिन आए जैसे आपका जन्मदिन हो तो आप एक अपना एक जन्मदिन पर हर एक पौधा लगाते जाएँ तो अपने लाइफ में 50 पौधा तो आराम से लगा लीजिएगा क्योंकि वृक्षारोपण ही जीवन है। यदि पर्यावरण शुद्ध नहीं है तो आपका ज़िंदगी सुरक्षित नहीं है। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए
वृक्षारोपण करना बहुत ही जरूरी है। आपके लाइफ में जब भी कोई स्पेशल दिन आए तो एक वृक्षारोपण जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, आपने जो ये समाज को एक महत्वपूर्ण मैसेज देने का काम किया। देखिए जाति सहकारी समिति अनुसूचित जाति सहकारी समिति का जो जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष जी से भी हम जानना चाहेंगे, मैसेज दीजिए समाज को, उसके बाद आप दो। मीडिया प्रभारी मेघलाल बोध जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज के दिन में मौका दिया हमको दो शब्द बोलने के लिए। देखिए पूरा ब्रह्मांड को अगर पूरा शुद्ध रखने के लिए अगर कोई चीज़ है तो वह है हमारे जो वृक्षारोपण से। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जो है सभी देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि वृक्ष जीवन को जीने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम वृक्ष नहीं लगाएंगे तो हम लोग भी जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर हम वृक्ष लगाएंगे तो हम लोग को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, और अगर वृक्ष नहीं लगाएंगे तो हम लोग का जीवन ही व्यर्थ है। इसलिए आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम सभी लोग वृक्षारोपण के साथ में हम लोग जो है पूरा 15 अगस्त को मना रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति बोध जी, जो आपने वृक्षारोपण के संबंधित आप जानकारी दिए कि 15 अगस्त जो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज हर गली मोहल्ले में राष्ट्रीय ध्वज लगाया जा रहा है। और वो केवल लगाने से काम नहीं चलेगा, जितने भी उसमें 24 तिल्ली जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र का 24 तिल्ली क्या उद्देश्य दे रहा है समाज को, उसको जाने और उसको अमल करें जीवन में, और अमल करके समाज में काम करें तो आपका आज़ादी का मायने निकलेगा। तो देखिए कीर्ति जी अपने हाथों से खुद वो वृक्षारोपण कर रहा है। ये वृक्षारोपण ही जीवन है, और वृक्षारोपण करके एक बहुत अच्छा मैसेज देना काम कर रहे हैं। देखिए आपको खुद हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ऐसे कार्य हर बच्चे को, हर बुजुर्ग से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक बढ़ चढ़ के योगदान देना चाहिए, और जीवन में कम से कम 1-10 पौधा तो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा तो रहेगा नहीं, लेकिन आपका पेड़। देखिए यहाँ पे एक और हमारे किसान भाई उपस्थित है, किसान भाई से जानना चाहेंगे कि हाँ पशुपालक हैं और कहाँ से हैं वो परिचय कराएंगे, और अचानक पेड़ पौधा लगाने के माइंड में कैसे आए। तो सर आप अपना, ऐसा बात है कि हम लोग जो भी कभी विकास योजना के अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री कभी विकास योजना के अंतर्गत, तो हम लोग यही पेड़ इसलिए लगाता है, एक तो पेड़ जो है प्रकृति का धरोहर, और कहा भी गया है कि एक पेड़ लगाना 10 पुत्र के समान होता है, और इससे पेड़ से बहुत तरह का फायदा, एक तो हमारे वातावरण शुद्ध रहता है और इससे मानसून बनता है जिसके चलते हम लोग का पलायन होता है। कहा गया कि पेड़ अगर फल नहीं देता है तो फूल जरूर देगा, छाया जरूर देगा, समझे। और ये जो आम का पेड़ है ये बहुत अमृत फल है, ये अमृत लोक में था, ये आने के लिए यहाँ पर नहीं सोच रहा था, क्योंकि लोग बोल रहा था हम आपकी मृत्यु लोक में हम जाएंगे तो मेरा सेवा नहीं होगा। बहुत रिक्वेस्ट करने पर ब्रह्मा विष्णु जितने भी देवी देवता हैं वो रिक्वेस्ट किए, तब ये पेड़ को लगे चलिए ठीक हम जमीन धरातल पर चलते हैं, तो यहाँ पर आए और इसको हम लोग लगाए। मेरा नाम नंद जी यादव है। यादव जी ने बताया कि ये अमृत के समान ये पेड़ पौधा है, मतलब आम जो है जो आम खाने से जितने भी हरी बीमारी सभी दूर हो जाता है और स्वस्थ रहता है, और प्रकृति में ये अच्छा योगदान भी है। ये आम का पेड़ देखिए हर गली मोहल्ले में जब इसका जब आता है समय फरने के, तो हर बच्चे भी इसको काफ़ी अट्रैक्शन होता है, और बाज़ार में हर एक जगह मिलता है, तो आप समझ सकते हैं। कुल मिला के आपको ये समझना चाहिए कि जितने भी फल है प्रकृति का वो जीवन के लाभदायक के लिए है, और